friends this is manish parik in front of you today we are going to discuss chapter 1 of class 10th that is chemical reaction and chemical reaction and we start the chapter with द डेफिनेशन सिंपल व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन सो द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन सिंपली मीन्स कि व्हेन एक या ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और एक नया सब्सटेंस बना दें जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो डिफरेंट हो यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और जो नया सब्सटेंस हमें मिला है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन कहेंगे एग्जांपल समझिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन चेंज टू वाटर तो यहाँ हाइड्रोजन की अपनी एक अलग एंटिटी थी अलग प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीजन है उसकी भी अलग एंटिटी है उसकी भी अलग प्रॉपर्टी होती है इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया वाटर बना दिया तो ये दो सब्सटेंसेस थे आपस में क्या किया इन्होंने कंबाइन किया और क्या बना दिया एक अनदर सब्सटेंस बना दिया वाटर जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या थी अलग थी तो ये क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस भी पार्टिसिपेट कर सकता है दो सब्सटेंस भी कर सकते हैं और ज़्यादा सब्सटेंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट के अंदर भी एक सब्सटेंस बन सकता है एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं इस तरीके से वो हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रिएक्शंस का अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन कहीं हो रही है इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या 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 होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या इवॉल्व होती है गैस इवॉल्व होती है देखिए जैसे एग्जाम्पल बताया है ये हमारा जिंक मेटल है वेनेवर इट रिएक्ट विद द डायल्यूट एच टू एसओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड देन इट कन्वर्टेड इन टू जिंक सल्फेट एक्वस एंड हाइड्रोजन गैस ये एरो जो है अपवर्ड एरो है ये डिनोट करता है किसको गैस को तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या बनाता है एक तो जिंक सल्फेट बनाता है जो एक्वस फॉर्म में होता है और साथ में क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है जो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि कैसे आइडेंटिफाई होगी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर गैस हमारे पास रिएक्शन के ड्यूरिंग निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि वहां क्या होगा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज ऑफ कलर तो एक और आइडेंटिफिकेशन क्या है केमिकल रिएक्शन का कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं जैसे एग्जांपल देखिए व्हेन रेड लेड ऑक्साइड इज हीटेड तो लेड ऑक्साइड का कलर क्या है रेड इज हीटेड येलो रेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म यानी कि रेड कलर का लेड ऑक्साइड होता है उसको जब आप हीट करते हो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है लेड मोनोऑक्साइड दैट इज येलो इन कलर रिएक्शन क्या है ये दी रिएक्शन हमारे पास लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला पी बी थ्री ओ फोर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना रिएक्शन में पी बी ओ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड मोनोऑक्साइड विच इज़ कलर इन येलो इन कलर और यहाँ पे साथ में क्या हुई ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन की कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कुछ कलर चेंज हो रहा है दैट मीन्स वहाँ क्या हो रही है केमिकल रिएक्शन हो रही है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कैरेक्टिस्टिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट पहले समझिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे पास कुछ अनसोल्यूबल

न ए सी एल थ्री अच्छी तरह से सोल्यूबल है लेकिन जैसे आप इसको मिक्स करते हो तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है ए जी सी एल सॉलिड की फॉर्म में विच इज अनसोल्यूबल जो कि क्या है सोल्यूबल नहीं है किसमें एनएनओ थ्री में तो रिएक्टेंट में ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे लेकिन जैसे ही इन दोनों रिएक्शन किया किस किस ने एजी एनो थ्री सिल्वर नाइट्रेट ने और सोडियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया रिएक्शन करके क्या बना दिया एजी सी एल बना दिया जो कि क्या था अनसोल्यूबल था तो इस अनसोल्यूबल पार्ट को हम क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं इसका कलर कैसा होता है व्हाइट होता है इसको क्या बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं और प्लस में क्या मिला हमें सोडियम नाइट्रेट मिला तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटिक फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा दैट इज एनर्जी चेंज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसके अंदर एनर्जी चेंज हो सकती है या तो उस रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी क्या होगी इवॉल्व होगी कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारे पास व्हेन कोल कोल सिंपल मीन्स कार्बन या जो चारकोल होता है वो इज बर्न हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड सिंपल सी बात है जब आप कोयले को जलाते हो तो वहां पे आग जलेगी तो वो रिएक्शन लिखी हुई है हमने कार्बन किसकी प्रेजेंस में जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्निंग की रिएक्शन है तो वहां पे क्या इवॉल्व हो रही है सीओ टू गैस प्लस में हीट ऑब्वियसली आप किसी चीज को बर्न करोगे तो वहां पे हीट भी होगी और लाइट भी होगी तो ये एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है हीट और लाइट की फॉर्म में निकल रही है तो यहाँ पे क्या हो गया अगर हीट और लाइट यानी कि एनर्जी की कोई भी फॉर्म या तो एब्जॉर्ब हो रही है या क्या हो रही है रिलीज हो रही है तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है एक और एग्जांपल देखिए व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज एडेड टू क्विक लाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्डीट इवॉल्व होती है तो ये वो है ना व्हाइट कलर का वो होता है उसके अंदर वह नॉटर एड करते हो क्विक लाइम में तो क्या होगा ये बनेगा, और फिर क्या निकलेगी बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी तो ये जो

नेचर uh, जो फिजिकल स्टेट uh, है वो चेंज हो रही है तो हम वहाँ कह सकते हैं कि क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है देखिए कैसे कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाए रूम टेम्परेचर पे और वहां पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दें तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है गैसेस फॉर्म में लेकिन ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं वाटर जो किस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म के अंदर तो यहाँ पे क्या हो गया स्टेट चेंज हो गई जो रिएक्टेंट्स थे हमारे उनकी स्टेट क्या है गैसेज फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट है हमारे वो क्या है लिक्विड फॉर्म में है तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों हमने क्या पढ़े हैं

उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या है हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मेथेन की बर्निंग की रिएक्शन है मेथेन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया तो ये स्टेटमेंट को रिप्लेस करके हमने कुछ छोटा तरीका निकाला शॉर्ट मेथड निकाला कि सिर्फ इन जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये सब्सटेंसेस हैं इनके सिर्फ सिंबल को लिखा जाए और एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार कर दिया जाए तो किसी भी सिंपल सी बात है तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है अब केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है तो पूछे किसके क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन हमारा रिएक्टेंट है कौन हमारा प्रोडक्ट है जैसे जनरली ये हमने मान लीजिए लिखा कि रिएक्शन लिखी मैंने मेथेन रिएक्ट टू ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है अब इसमें मेरे को सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जनरली बेसिकली दो पार्ट होते हैं जो इधर एरो के इस साइड में लिखा होता है ये हमारा होता है रिएक्टेंट पोर्शन ये क्या होता है रिएक्टेंट और जो एरो के उस उस तरफ लिखा होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट का सेक्शन उधर हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट लिखते हैं ये बेसिकली दो पार्ट होते हैं होते और भी हैं कैटलिस्ट होता है और सारी कंडीशंस भी होती है लेकिन मेनली हमारे पास क्या है रिएक्टेंट जो एरो के इधर लिखे जाएंगे वो सब क्या होंगे रिएक्टेंट और इधर लिखे जाएंगे वो क्या होंगे प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्टेंट का मतलब क्या है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है इनिशियली और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो फाइनली हमें हुआ है रिएक्शन के कारण वो हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन तो के जो हमारे रिएक्टेंट्स इनके सिंबल्स और फॉर्मूला लिखने होते हैं फिर हमें किसके प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूला लिखने होते हैं जो एरो साइड के अंदर लिखेंगे तो स्टेप्स देखिए आइडेंटिफाई द रियक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ दॉलोइंग रिएक्शन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है उसके बाद में क्या लिखेंगे स्टेप सेकेंड क्या है राइट डाउन द फॉर्मूला और सिम्बल्स ऑफ द रियक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्टाइड किसको लिखेंगे रिएक्टेंट्स को लिखेंगे विदन ऑफ प्लस ये प्लस का साइन लगाया है बिटवीन दैन जितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उनके बीच भी में में क्या लगेगा प्लस का साइन लगेगा और ऐसे ही स्टेप थर्ड क्या होता है हमारे पास स्टेप थर्ड होता है कि हम क्या करते हैं राइट डाउन करते हैं फॉर्मूला और सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो वहां पे हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के सिंबल्स लिखेंगे और प्रोडक्ट के सिंबल और रिएक्टेंट के सिंबल जब हम लिख देंगे तो तब तो जो हमारी रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन जो आएगी उस इक्वेशन को हम कहते हैं स्क्लेटन इक्वेशन स्क्लेटन इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन विच इज नॉट केमिकली बैलेंस्ड उसे हम क्या कहेंगे स्क्लैटन इक्वेशन कहेंगे सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि रिएक्टेंट्स को हम किस साइड में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो सेकंड स्टेप का ही अनदर पार्ट है द फॉर्मूला और सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद अ साइन ऑफ प्लस बिटवीन द यानी कि जो प्रोडक्ट है उनको हम किस साइड में लिखेंगे राइट हैंड साइड में लिखेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कैसे करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करेंगे विद द साइन ऑफ एरो ये एरो का जो साइन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को क्या करेगा एक दूसरे से सेपरेट करेगा अब देखिए जब हमने रिएक्टेंट्स लिख लिए और प्रोडक्ट्स लिख लिए अभी हमने उनकी नंबर्स की बात नहीं की कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ जो एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं है तो उस कंडीशन में केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्क्लेटन इक्वेशन स्क्लेटन इक्वेशन का सिंपली मीन क्या हुआ एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है अभी हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अभी हमें उन्हें बैलेंस नहीं किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने बैलेंस नहीं किए तो विदाउट बैलेंसिंग अ रिएक्शन इक्वेशन इज कॉल्ड कोल्ड अ स्क्लेटन इक्वेशन स्टेप थर्ड क्या है जब हमने स्क्लेटन लिख लिया उसका हमने एटम्स लिख लिए उनके रिप्रेजेंटेशन लिख लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लास्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल देन द इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने सिंबल्स लिख, लिख लिए रिप्रजेंटेशन लिख लिए सबके अब हम एटम काउंट करेंगे प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं अगर वो इक्वल है देन इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसे बैलेंस करेंगे तो फाइनली जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन होती है वो सही इक्वेशन होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स जितने रिएक्टेंट में होने चाहिए होते हैं उतने ही किसमें होने चाहिए प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, चाहिए यानी कि नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं और स्क्लेटन इक्वेशन जिसमें हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस लिखा है हमने उसे बैलेंस नहीं किया ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं स्क्लेटन इक्वेशन कहते हैं तो अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें किसी भी रिएक्शन की किस किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारी हेडिंग क्या है इंफॉर्मेशन कन्वेज बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हमने लिख दी तो उससे हमें उस रिएक्शन की किस किस बात की जानकारी मिलती है तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है दो बातें पता चलती है एक होती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एक होती है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में तो हमें दो चीज़ें पता चलेंगी पहली क्या नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हमने लिख लिख रखी है तो हमें उनका एक तो कौन कौन से रिएक्टेंट उसमें पार्ट ले रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा सेकंड नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मड इन द रिएक्शन कि और दूसरी चीज क्या पता चलेगी कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं उस रिएक्शन में ये भी हमें पता चल जाएगा किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तो ये हमें पता चली हमारी जो प्रॉपर्टी थी कौन सी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो हमें उसके बारे में क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल इस रिएक्शन में या part, कितने पार्ट कितने एलिमेंट या कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो फॉर्म हो रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी देखिए द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन तो पहली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने मोलिक्यूल या कितने एटम इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं सेकंड देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन मोल कंसेप्ट आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये भी पता चलता है कि किसी रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना मोल हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तीसरा क्या है द मास ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन तो ये भी आपने नाइन्थ क्लास के अंदर अगर मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये चीजें हमें पता चलती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या रिएक्टेंट्स के नाम प्रोडक्ट्स के नाम रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करते कैसे हैं देखिए अभी इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं मैंने एक इक्वेशन लिखी कुछ इस तरीके की ये नाइट्रोजन है N2 टू हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्ट किए और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि क्या था अमोनिया ये किस फॉर्म में थे गैसेस फॉर्म में ये भी किस फॉर्म में था गैसेस फॉर्म में ये भी किस फॉर्म में थे गैसेस फॉर्म में अभी क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है यहां पे नाइट्रोजन कितने टू यहाँ पे नाइट्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है टू और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है एक ही मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है टू यहाँ पे कितने हैं थ्री तो ये बैलेंस नहीं है अभी ये मैंने क्या लिखी है ये मैंने स्क्लेटन इक्वेशन लिखी है ये कौन सी लिखी है मैंने स्क्लेटन इक्वेशन अभी इसे बैलेंस करेंगे और ये जब और कोई भी जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस होने के बाद ही आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन देती है तो ये भी हमने क्या लिखी सिर्फ हमने क्या लिखी स्क्लेटन इक्वेशन भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं अमोनिया बना रहे हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे थैंक यू सो मच